हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में संजय मोबाइल टेक्निकल एंड फन में। दोस्तों, आज रियलमी का 50A नार्जो का है, इसमें फोल्डर फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से और फास्ट और मतलब फ्रेश, बिल्कुल ना किसी प्रकार से ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें ना उलझाने वाली चीज़ें। ये दोस्तों फोल्डर को पहले सबसे पहले अपन चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि किसी प्रकार की कोई अगर समस्या होती है तो फोल्डर को चेक किया जा सकता है। ये आपको मॉडल नंबर बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए नार्जो 50A। ये दोस्तों सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है चलाने में। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसकी नंबरिंग भी देख लेते हैं अपन, नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है, कट भी रहा अच्छे से। ये जो इसकी दोस्तों क्वालिटी है वो भाजवाड़ की है, बहुत शानदार है। और जो इसका ओल्ड वाला था दोस्तों, ये फूट गया था पूरी तरह से, ये देख पा रहे होंगे बहुत डैमेज हो गया था, इसके कारण इसको रिप्लेस कर रहे हैं, नहीं तो इसका ग्लास भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए कम्बो का यूज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आपको इसकी ग्लू करके आपको फिटिंग दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये तो अभी चेक हो गया पहला प्रोसेस, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फ्रेंड, इसकी जो ग्लू है वो बिल्कुल हल्का हल्का लगाना है, ताकि किसी प्रकार से ये अंदर फोल्डर में ना उतरे। एकदम से ज़्यादा ज़्यादा लगा देते हैं और ग्लू उतर जाता है फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये तो देखिए बिल्कुल हल्का हल्का लगाया है, ये देखिए ग्लू बिल्कुल हल्का हल्का लगाया है, ताकि जाके फोल्डर में उतर ना जाए किनारों पे। दोस्तों ये वाली पत्ती भी उतारना ज़रूरी है, ताकि ये अच्छे से फिटिंग हो जाए, ठीक है। ये पत्ती भी काट देंगे और ये वाली भी पत्ती भी उतार देंगे दोस्तों, ताकि इसकी प्रॉपर फिटिंग आ जाए। फ्रेंड्स, ये पत्ती को यहाँ से लेना है और यहाँ से इसको देखना है कि बराबर ये लग गया, ये लग गया, उसके बाद इसको यहाँ से बिठा देना है, दबाना कहीं भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये पत्ती यहाँ पे आ जाएगी और इसको यहाँ बिठा देना है, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर। और इसमें लगा देते हैं दोस्तों रबड़, ताकि ये थोड़ा सूख जाए। इस टाइप से दोस्तों ये पूरी तरह से सूख जाएगा, फिटिंग हो जाएगी इसकी, और फिर रबर बैंड निकाल के और आप आराम से फिट कर दीजिएगा। आधे घंटे का वेट कर लीजिए, चेक तो पहले प्रॉपर कर लिए थे, सिर्फ अब फिटिंग रह गई है। ये देखिए दोस्तों, बस या कनेक्टर लगा के, बैटरी लगा के और इसको फिट करके दे देना है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।